सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, आप सब YouTube फैमिली को और जो मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आपके जीवन में खुशियां, सुख समृद्धि और सुख शांति लेके आएगा। और कैसे इंजॉय कर रहे हैं आप सभी इस नए साल को? और अभी तो लोहड़ी का त्यौहार भी आने वाला है कुछ। ये देखिए, ये पीछे वो है पट्टी, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, और ये है बच्ची, इसको भी हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। एक है भैंस का बच्चा और दूसरे है गाय का बच्चा। ये देखिए यहीं रहते हैं एक्चुअली। जो हमारे पास ये जो ब्लैक वाली बच्ची है ना, ये तो ऐसे ही है, और तो जो ये भैंस का जो बच्चा है ये हमारे घर के पास घर है उनका है, पर ये यहीं खेत में ही रहते हैं, चरने के लिए छोड़ देते। ये मेरे पास खड़ी थी और पता नहीं मुझसे कुछ मांग रही होगी क्या। यहाँ तो कुछ है भी नहीं, घास गोबर करने आई स्पेशल में कोई। एक ये है, ये भी मेरे को देख रही है। तो अभी ये देखिए, ये हनुना गाड़ी साफ कर रहा है। जैसे कि हम कल आए थे जलंधर से, तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी। मैंने जस्ट ऐसे बोला था कि गाड़ी साफ़ करनी है, तो बाहर आके देखा तो हनु जो है ना वो गाड़ी साफ़ कर रहा था, और बहुत अच्छे से उसने गाड़ी साफ़ की थी। ये देखिए, ये मैट वगैरह उसने सारे अच्छे से धो दिए थे, और मैंने और हनु ने इकट्ठे होके फिर गाड़ी को क्लीन किया, और मैंने जो कपड़े मैं लेके आई थी बैग में वो भी मैंने साफ़ किए कल। हनु परौंठी की तैयारी हो रही है, कौन सी परौंठी खाएगा? खुद ही छील रहे, शाबाश, बनाएगा भी खुद ही ना। हनु को आज खाने से आलू वाले परांठे, तो आज हनु ने ना खुद ही आलू बॉईल करने चढ़ाए थे, और आज खुद छील भी रहा था उनको। तो क्योंकि हनु को ना काफ़ी टाइम से वो परांठे वगैरह नहीं दिए थे बीमारी की वजह से उसकी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना चलो बनाई देती हूँ। और ये देखिए, ये चाय भी हनु ने ही आज बनाई है अपने लिए। आज हनु ने मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो हल्का किया, मतलब बहुत हाथ पटाया मेरे काम में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे मैं ना परांठे जो है ना वो हल्का हल्का देसी घी लगा के इसको दे देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं दिए, बस मैंने दो ही दिए, पर आज बस मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज काफ़ी समय के बाद हनु इतना सारा हाथ बटाया मेरे काम में, मुझे अच्छा लग रहा था। हनु चला गया है आज अपने मामू घर, और हस्बैंड भी नहीं है घर पे, तो ये हनु की चॉकलेट है, मैं खा लेती हूँ। अगर वो पास होता तो कहाँ खाने देता, वो नहीं है घर पे। एक्चुअली इसके पापा कहीं गए हैं, तो उन्होंने मामू मेरे मायके से होके जाना था, तो मेरी बहन भी आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो अभी मम्मी घर में आ गई है। मुझे भी बोल रही थी जाने को, तो मैंने बोला अभी मैं थोड़ा रुक के आऊँगी। तो हनु चला गया है आज, शायद वो आ जाए पापा के साथ या नहीं आए, पता नहीं, उसका मूड है, मूडी बंदा है वो पूरा। अगर उसका मूड होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं मूड होगा तो नहीं आएगा। जितनी मर्जी ठंड हो, मेरे को कमरे में बैठना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर बैठना मेरे को अच्छा लगता है। आज जैसे कि मौसम में ना बादल हैं, धूप नहीं है, तो बाहर ही मुझे अच्छा लग रहा है, अंदर बैठने का ना मन नहीं करता। शाम को मतलब अच्छा लगता है, दोपहर को ऐसा लगता है कि बाहर बैठे और बस बाहर ही बैठे रहें, अंदर नहीं जाने का मन करता है। बाहू को सुलाया है, तो बाहू को सोए काफ़ी टाइम हो गया अभी, तो पहले मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी स्किन की जो केयर है ना वो करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर मैंने की नहीं पिछले 7-8 महीनों से, क्योंकि जब से बाहू आया है मेरे को टाइम नहीं लगता था अपने लगता है अभी भी लगता था नहीं है अपनी स्किन की केयर करने में। तो आज मैंने सबसे पहले स्क्रब किया, और स्क्रब के लिए मैं बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना मैं उसी के साथ ही स्क्रब करूँगी। और स्क्रब करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि अच्छा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी गंदगी थी मेरे मुंह के अंदर जो अभी रिमूव हुई है। और दूसरी बात, मैं जो अपने फेस पे जो कभी भी जो मार्केट से हम क्रीम परचेज करते हैं वो नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा घर से बनी हुई जो मॉइस्चर है ना वही लगाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ कि मैं अपनी जो मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम।
तो ना क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन मैंने ले ली है, यह है विटामिन ई की कैप्सूल और यह है रोज वाटर। तो चलिए बनाते हैं अपनी फेस क्रीम। सबसे पहले ना मैं ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और अभी ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है ना, मैं वो डालूंगी इसमें। मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ, मतलब कि बार बार, ये काफ़ी समय तक चलती है। ऐसा नहीं है कि ये विटामिन ई के कैप्सूल तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए, तो हमें ना केमिकल की वाली जो चीज़ें होती हैं वो अवॉइड ही करनी चाहिए, मतलब कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ही लगानी चाहिए जो हमारी स्किन को अच्छा रखती हैं। ये मैंने 5 महीने इसमें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बना रही हूँ, तो मैं इसलिए 5 ये विटामिन ई के कैप्सूल इसमें डाल रही हूँ। ये चला गया बीच में, देखिए। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ग्लिसरीन, ग्लिसरीन 1 चम्मच ही डालूंगी इसमें। ग्लिसरीन जो है ना वो हमारे शरीर, सॉरी फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। और अभी मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी थोड़ा सा ये रोज़ वाटर, रोज़ वाटर भी हमारे शरीर से है। और ये देखिए रोज़ वाटर इसमें मैंने डाला है। और ये देखिए जैसे जैसे ये इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी ना, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बीच में डाले हैं वो मिक्स हो जाए इस तरह से। देखिए मेरी जो है ना स्किन, मैं यही ही लगाती हूँ अपने फेस पे, और मैं कुछ भी नहीं लगाती। फाइनली जो है ना ये बनके, बस 3 या 4 चीज़ों से ही ये बनके तैयार हो जाती है क्रीम। इसको मैं थोड़ी सी आपको अपने फेस पे लगा के भी बताऊंगी। लगाई थी, ये देखिए ये मेरी फेस क्रीम जो है ना वो बनके तैयार हो गई है। और अभी मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा सा अपने फेस पे, क्योंकि इतनी सी ये सफिशिएंट होती है। पीछे गाड़ियां जा रही हैं, तो मैंने सुबह स्क्रब किया था। और अभी मैंने ये, मैं आपको स्क्रब, जैसे मैं स्क्रब करती हूँ घर में ना, मैं आपको वो भी वीडियो कभी बना के बताऊंगी कि मैं स्क्रबिंग के लिए क्या यूज करती हूँ। बस हमें ना ये जो आइस के नीचे नीचे है ना, ये ज्यादा यहाँ पे लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना क्रीम पहुंचती नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रीम बनी है। गाइस ये मेरी क्रीम बनके तैयार हो गई है। और अभी मैं इसको रखूंगी डिब्बी में डाल के। पहले मैंने ना ये वाली बनाई थी, देखिए पर ये खत्म हो गई है। ये मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया इसको भी बनाए हुए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैंने घर पे ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी बना ली है। जैसे कि मैं जो स्क्रबिंग जो अपनी क्रीम होती है ना, वो भी मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ। स्क्रब करने के लिए मैं बाहर पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही कर लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। और जो मॉइस्चराइजिंग, यहाँ तक कि जो मेरी आईब्रोज होती हैं वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, वो भी मैं पार्लर में नहीं जाती। और जो मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो भी मैंने घर पे ही आपको बना के बताई। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।